हेलो एवरीवन, विनय चंद्रा आपके म्यूज़िक लेसन के साथ। जो हमारा आज का लेसन है, लास्ट लेसन में मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने कल आपको डी और जी, इन तीन कॉर्ड्स के बारे में, चार कॉर्ड्स के बारे में बताया था, ए माइनर ऑल्सो। तो आज हम मेजर कॉर्ड जो मैंने आपको बताई है, इन सबको मेजर कॉर्ड बोलते हैं, बस ए को छोड़ के। ये ए माइनर कॉर्ड थे उस टाइम, है ना। तो आपने वो प्रैक्टिस करी होगी। आज का जो लेसन है वो है डी के, मतलब कल हमने सी का कॉर्ड कॉम्बिनेशन देखा था कि सी में कौन कौन सी कॉर्ड लगती है, और आज हम देखेंगे डी में। ओके, डी कॉर्ड। तो सी के आपको स्केल भी आती है, मैंने आपको बताया है, सारे गामा धा नी सा, ठीक है। तो जो डी की कॉर्ड है वो है डी। देखिए मैंने कौन कौन सी कीज प्रेस करी हैं। एक तो मैंने, देखो कॉर्ड जो हम पकड़ते हैं उसमें ऑब्वियसली वो चीज़, वो पीस तो होगी ही जो हमको कॉर्ड बनानी है जिसकी। जैसे मैंने हम सी पकड़ा तो सी का पकड़ना ही जरूरी है। फिर अब मैं डी हूँ तो मैंने डी को होल्ड करा है, एफ शार्प को होल्ड करा है और आपके ए को होल्ड करा है। तो इन तीनों को अगर मैं एक साथ प्रेस करता हूँ तो क्या बन जाएगी आपकी डी कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं ए कॉर्ड में। तो ए कॉर्ड देखिए, जहां पे मैंने ए को पकड़ा है वहीं पे आपको थंब रख देना है और आपको सी शार्प और फिर उसके बाद डी। तो ये आपकी बन गई ए कॉर्ड। फिर उसके बाद एक पीछे जो आपको पता ही है जी, जो आपको कल भी बताया था। फिर उसके बाद फिर ए बदल लीजिए और फिर ये प्रैक्टिस इसके साथ साथ कर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।